हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब, तहरीके लब्बैक का धरना खत्म। जहां जहां कारकुन धरना दिए बैठे हैं, पुरअमन मुंतशर हो जाएं। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ मुकदमात खत्म हो जाएंगे। तहरीक के नाम पर शरपसंदी करने वालों की मजम्मत करते हैं अलामा खादिम हुसैन रिजवी का कारकुनान से खिताब। धरना कायदीन और हुकूमती वफ़द में 5 निकाती मुआहिदा तय पा गया। आसिया बीबी का नाम फौरी तौर पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाएगा। आसिया बीबी केस की नजरसानी अपील पर हुकूमत एतराज नहीं करेगी। तहरीक में जो शहादतें हुई, कानूनी चाराजोई भी की जाएगी। 30 अक्टूबर और उसके बाद गिरफ्तार कारकुनान को फौरी रिहा किया जाएगा। एहतजाज के दौरान किसी की दिल आजारी हुई तो तहरीक लब्बैक माजरत खा है। मुआहिदे का मतन कॉपी लाहौर न्यूज़ को मौसूल। धरना कायदीन ने इदारों के खिलाफ जो बातें की, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। हम ये बावर कराने में कामयाब रहे, अदालती फैसलों को सड़कों पर तब्दील नहीं किया जा सकता। सब्र तहम्मुल का माहौल होना चाहिए, इसके बगैर मामलात नहीं चलते। सूबाई वजीर इत्तला'आत फयाजुल हसन चौहान की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। आसिया बीबी के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। सदर, वजीर आजम और इदारे मसाले की हसासियत को समझें। जियाउल्ला नक्शबंदी, अफवाज पाकिस्तान का एक वक्कार है जिसको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। अलामा जुल्फ़िकार हाशमी, इस्लाम अमन मोहब्बत और रवादारी का सबक देता है। किसी को भी मुहाफिज इदारों पर तनकीद की इजाज़त नहीं दे सकते। रहनुमा सिविल सोसाइटी अब्दुल्ला मलिक, तंजीम इतिहाद उम्मत पाकिस्तान और सिविल सोसाइटी नुमाइंदगान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों में आज छुट्टी नहीं होगी। पंजाब हुकूमत का आज तमाम तालीमी इदारे खुले रखने का ऐलान। वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजें, हालात बेहतर होने पर स्कूल खोलने का फैसला किया गया। सूबाई वजीर तालीम डॉक्टर मुराद रास। अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर, कारोबार का पहिया भी चलेगा। सदर अंजुमन ताजरान का आज शहर के तमाम कारोबारी मराकज खोलने का ऐलान। मॉल रोड, पैनोरामा हॉल रोड, बीडन रोड, आबिद मार्केट, इसरा बाजार, शाह आलम मार्केट समेत तमाम बड़ी मार्केटें खुलेंगी। कश्मीरी बाजार, मोती बाजार, आजम क्लॉथ मार्केट, पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट में भी मामूल के मुताबिक काम होगा। सर्कुलर रोड, अकबरी मंडी, मुरब्बा मार्केट और कॉस्मेटिक्स मार्केट में भी काम होगा। ठोकर न्याज बेग समेत बेशतर दाखिली और खारजी रास्ते खुल गए। बाबू साबू इंटरचेंज पर ट्रैफिक बहाल। मुल्तान रोड से शहर में लोडर गाड़ियां और कंटेनर्स दाखिल होना शुरू। ठोकर न्याज बेग पर पेट्रोल पंप पर तेल की सप्लाई भी शुरू। रेलवे इंतजामिया की जानिब से भी ट्रेन ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। शहर में अमनो अमान की सूरत हाल, क्लीन एंड ग्रीन मुहिम पंजाब भी मुअत्तल रही। 18,000 टन कूड़ा सड़कों पर मौजूद, शहर कचरा कुंडी बन गया। सूरत हाल बेहतर हो गई है, जल्द कूड़ा उठा लेंगे, LWMC का मौकफ। तहरीके लब्बैक का धरना खत्म। लारी अड्डा से मामूल के मुताबिक ट्रांसपोर्ट बहाल। लारी अड्डा इंतजामिया के मुताबिक तमाम गाड़ियां अपने वक्त के मुताबिक रवाना होंगी, मुसाफिर मामूल के मुताबिक अपना सफर कर सकेंगे। शहर का चक्का जैम, ताजर बरादरी को शदीद झटका। मंडियों में फलों और सब्जियों की तरसील ना हो सकी, ताजरों को 3 रोज में 75 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। सब्जियों की महंगे दामों फरोख्त शुरू, शहरियों को भी भारी नुकसान। तीन रोज में 4,65,000 मुसाफिर सफर न कर सके, किराए कीमत में मेट्रो बस को 3 रोज में 93 लाख रुपए खसारे का सामना। 405 डेली वेजेज मुलाजमीन की तनख्वाहों की कटौती का अंदेशा। मेट्रो बस स्टेशन की बिजली भी मुअत्तल कर दी गई। नवाकोट के इलाके सब्जाजार बी ब्लॉक में घरेलू झगड़े पर खातून कत्ल। लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया कि शौहर ने भाई और बड़े बेटे से मिलकर बीवी को कत्ल किया। लवाहिकीन कहते हैं कत्ल का माजरा शमीम के 4 साला बेटे ने बताया। लाश मुर्दा खाने मुंतकिल, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम नवीद को गिरफ्तार कर लिया।
ذائقے دار دودھ کے نام پر دو نمبری نہیں چلے گی، پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ڈیری ڈرنکس پر مکمل پابندی لگا دی۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کہتے ہیں پابندی کا اطلاق ذائقے دار ڈیری ڈرنک کی تمام مصنوعات پر ہوگا، ڈیری ڈرنک میں سے غذائی اجزاء نکال لیے جاتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب کے 36 اضلاع میں ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرنے کا حکم، ہیلمٹ سے متعلق عدالتی حکم پر مینوان عمل کیا جائے، پولیس اور وارڈنز بھی ہیلمٹ پہنے، عدالت 70% سر پر چوٹ لگنے کے حادثات کم ہو چکے ہیں، عدالت۔ باغ گل بیگم مزنگ میں گھروں کی مسماری روکنے کے لیے درخواست پر سماعت، ہائی کورٹ نے ضلعی انتظامیہ کو گھروں کی مسماری سے 9 نومبر تک روک دیا، جسٹس علی اکبر قریشی نے پیر فاخر شاہ کی درخواست پر سماعت کی۔ ڈرائیونگ میں سالانہ تبلیغی اجتماع فرزندان اسلام کی قافلوں کی صورت میں آمد، ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات، 848 وارڈنز تعینات، سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات، اسپیشل مانیٹرنگ روم اور کیمپ آفس قائم۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے 15 رکنی قومی ٹیم کا اعلان، T20 کے بعد محمد عامر ون ڈے سے بھی ڈراپ کر دیے گئے، فخر زمان، بابر اعظم، امام الحق، شعیب ملک اسکواڈ میں شامل، سرفراز احمد کپتان برقرار۔ قواعد کی خلاف ورزی، احمد شہزاد پر مزید 6 ہفتوں کی پابندی عائد، احمد شہزاد نے پابندی کے باوجود کلب سے 7 میچ کھیلے، احمد شہزاد کو ڈوپ ٹیسٹ میں پابندی کا سامنا ہے۔ اور ایکسپو سینٹر میں فیسٹیول کے زیر اہتمام سج گیا کتاب میلہ، 250 سے زائد سٹالز پر مختلف موضوعات پر مبنی کتب دستیاب، صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے افتتاح کیا، مختلف کتابوں میں گہری دلچسپی، بولے کتاب سے دوستی کامیابی کی ضمانت ہے، علم شعور آگاہی سے ہی معاشرے میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔